यूपी के हापुड़ जिले की साइबर क्राइम ब्रांच सेल ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों को ठगता था। वो लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देता था और फिर उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाता था। हापुड़ जिले की साइबर अपराध शाखा की पुलिस ने मंगलवार को खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस का अधिकारी बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि भोले भाले लोगों को कॉल करके खुद को आईएएस अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी से ऑनलाइन वसूली करने वाले शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्मा ने कहा कि आरोपी की पहचान मेरठ जिले के भवनपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रियांश के रूप में हुई है। पकड़े गए शख्स के पास से कुछ रुपए और सरकारी विभाग की फर्जी रसीदें मिली हैं। उसके पास से कई फर्जी कार्ड भी मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कुछ दिन पहले खुद को जिला जालौन का जिलाधिकारी बताकर बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव गजालपुर के शख्स और उसके दो भतीजों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। इसके बाद आरोपी ने इन लोगों से 1.5 लाख रुपए के करीब की ठगी की थी। इस पूरे मामले पर और ऐसे ठग पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।